हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का इन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन से ऐसे बनता है, क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्ट सुगर भी कहते हैं। मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। देयर इज ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डी टू एल। डी मीन्स डेक्सो रोटेटरी, एल मीन्स लीवो रोटेटरी। D2L as a result of hydrolysis it is called inversion reaction, ठीक है। हम इसे inversion reactions कहते हैं जब आप hydrolysis करते हैं cane sugar की, ठीक है। आइए मैं जरा उस sign के माध्यम से समझा देता हूं। जब आप sucrose का hydrolysis करते हैं, ठीक है, sucrose का जब आप hydrolysis करते हैं तो sucrose का specific rotations आपका जो होता है वो होता है लगभग 66.5 डिग्री के आसपास होता है। और हाइड्रोलाइसिस लाइक डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब आप कराते हैं या इन्वर्टेज की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक्यूमोलर फॉर्म में आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और फ्रक्टोज आपको मिल जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 होता है, और जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन -92.4 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग इनवर्ट सुगर कहते हैं या डी डेक्सो रोटेटरी लीवो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं। आइए मैं जरा समझा देता हूं कि मैं क्यों इसे इनवर्ट सुगर कह रहा हूं, क्यों इसे इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सुक्रोज जो है वो तो आपको डेक्सो रोटेटरी होता है, लेकिन जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखते हैं फ्रक्टोज का रोटेशन ज्यादा है, इसलिए ये लीवो रोटेटरी हो जाता है। और इस मिक्सचर्स में रोटेशंस के चेंज होने को ही, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस मिक्सचर्स में रोटेशंस के चेंज होने को ही इन्वर्जन रिएक्शंस कहते हैं, और इस मिक्सचर्स को हम लोग इनवर्ट सुगर कहते हैं। सुक्रोज के कंपेयर में आपका जो मिक्सचर्स है वो ज्यादा मीठा है, बिकॉज फ्रक्टोज की वजह से सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है आपका मिक्सचर। इनवर्ट सुगर आपका ज्यादा मीठा है, स्वीट है, किससे, आपके सुक्रोज के कंपेयर में। तो बहुत छोटा ही टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पसंद आएगा आपको, आप समझने का प्रयास करिए, मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा लगे तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।